उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल कबाड़ उठाने में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि निजी कामों में लगाकर इस एम्बुलेंस के जरिए रुपए बनाने का खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गर्भवती महिलाओं की एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल कूड़ा और कबाड़ उठाने में किया जा रहा है, जबकि इसका काम गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक लाना और वापस घर तक छोड़ना है। जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए, जैसे उनकी प्रेगनेंसी है, 4 महीने 5 महीने की गर्भवती है महिला, कोई भी उनको ऑलरेडी परेशानी हो रही है, जैसे फीवर हो गया, पेट में दर्द हो रही, बच्चा नहीं चल रहा है, वो 102 पर फोन करेंगे, गाड़ी यहाँ से जाएगी, उनको घर से ले आएगी, यहाँ दिखाएंगे, उनका उपचार होगा, दवा वगैरह ले करके उनको निःशुल्क लाएंगे, निःशुल्क उनके घर तक हम छोड़ देंगे। इस एम्बुलेंस का नंबर 70AG1332 है, जो जौनपुर शहर के उमरपुर मोहल्ले में एक दुकान के बाहर देखी गई। इसमें कबाड़ भरकर दूसरी जगह डम करने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस को निजी काम में लगाकर एक दिन में 500 से 1000 रुपए तक की कमाई होती है और स्वास्थ्य अधिकारियों की मिलीभगत से एम्बुलेंस को प्राइवेट कामों में लगाकर हर दिन रुपया बनाया जा रहा है। जौनपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ओपी सिंह इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे और आखिर में इतना ही बोल पाए कि इसकी जांच की जाएगी। ये आपके द्वारा ही मुझे पता चला है कि कोई हमारी एम्बुलेंस गाड़ी जो नाम दिए हैं आप 1332 की, कोई जी वो मैं लिख लिया हूँ कि ये कुछ गलत सामान कबाड़ टाइप का लेके जा रहा था। मैं इस एम्बुलेंस पर तुरंत इसकी जो है कार्रवाई करूंगा और आपने वीडियो भी दिया है, वीडियो के आधार पर अगर उसको मैं कार्रवाई करूंगा और उसके खिलाफ जो भी होगी शासन तक लिखूंगा उसको। उत्तर प्रदेश में 102 नंबर की मुफ्त एम्बुलेंस सेवा 2014 में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। सरकार दावा करती है कि मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का लाभ हर साल लाखों गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। पिछले साल इसी एम्बुलेंस सेवा में गर्भवती महिलाओं का फर्जी आंकड़ा दिखाकर करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ था और अब वही एम्बुलेंस 500 रुपए पर कबाड़ उठाती नजर आ रही है। और ये हाल तब है जब देश में मातृ मृत्यु दर दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।